सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको रुद्रासन बतलाने जा रहा हूँ। खड़ा होकर के किए जाने वाला आसन है यह। इसमें दोनों पैरों को फैला लेते हैं। आसान सा आसन है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। दोनों पैरों को फैला लेते हैं और हाथ को ऊपर उठा लेते हैं और दोनों हथेलियों को मिला लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बैठने की कोशिश करते हैं। नीचे आते हैं और वहाँ पर टिके रहेंगे। कुछ देर तक टिके रहेंगे और फिर वापस अपने पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। और इसका दूसरा चरण है, ये प्रथम चरण है और इसका दूसरा चरण है कि दोनों पैरों को फैला लेते हैं, फिर एक पैर पर थोड़ा वजन डालते हैं और दूसरे पैर को उठा लेते हैं और हाथों को अपने सीने के पास खींच लेते हैं, एक हाथ को, और एक हाथ को सामने की ओर रखते हैं। तो पहले वाली जो पोजीशन है, पहले मैं उसको दिखला देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी पोजीशन को बताऊँगा। ऐसा ऐसा 5 बार करना है, मैंने 1 बार करके दिखाया। अब मैं दूसरी पोजीशन आपको दिखला रहा हूँ। उसमें एड़ी एड़ी जमीन पर सटी रहेगी और पंजा ऊपर रहेगा। ये ध्यान देखने की बात है, अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं। या आपने रुद्रासन देखा, इसको एक एक तरफ 5-5 बार करते हैं। इस आसन का हमारे शरीर पर, विशेषकर हमारे घुटनों पर, हमारी जांघों पर, हमारे फेफड़ों पर और हमारे हृदय पर बहुत ही अच्छा असर होता है। हमारे कंधे, हमारे बांह पुष्ट होते हैं, भूख बहुत अच्छी लगती है, नींद बहुत अच्छी आती है, शरीर में ताकत और ऊर्जा का संचार होता है, आदमी में जोश उमंग दोनों भर जाते हैं। मुट्ठी में, हाथ में
सीने में सभी में शक्ति का एहसास होगा। इस आसन को करने से वीर भाव भी जागता है, आदमी की कायरता दूर होती है। और इनको एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और इस आसन को करने का एक लाभ यह है कि आपकी एकाग्रता भी अच्छी होती है। तो इसको करें खाली पेट, सुबह सुबह, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है, खाली पेट होना चाहिए। इसको करें और इसका लाभ उठाएं। और जैसा मैंने बताया, जितनी जितनी बार करना है, पांच पांच बार, उस तरह से पांच पांच बार करें। ओम।